नई डेस्टिनेशन को आप डेस्टिनेशन बोलते हैं जहाँ कोई ज़्यादा अभी तक सेक्टर नहीं हुआ लेकिन टूरिज्म पोटेंशियल ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन कोलाब्रेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें तोसमरान जो है बड़े टॉप पे है और यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल जैसा कि आपने खुद ही बताया, यहाँ ट्रैकिंग का स्कोप काफ़ी अच्छा है, एडवेंचर टूरिज्म का काफ़ी अच्छा स्कोप है और अभी तक जितना इसका पोटेंशियल है उतना हमने जो है पब्लिसाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज का ये फेस्टिवल जो करने का मुद्दा और मकसद यही है कि यहाँ की जो यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, चाहे यहाँ के जो है लोकल क्विज़ीन हो, यहाँ की लोकल जो भी वेराइटीज़ हैं, यहाँ लोगों को जो है स्टे होम्स के लिए मोटिवेट किया जाए, टेंटेड कॉलोनीज के लिए मोटिवेट किया जाए, जबकि जब आगे यहाँ टूरिस्ट आएंगे उनको बेसिक कुछ फैसिलिटीज़ भी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिज्म डिपार्टमेंट का साथ दिया और आज का ये फेस्टिवल वन डे फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया है, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आप देखेंगे टूरिज्म फुटफॉल ज़रूर यहाँ का बढ़ेगा। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो पिछले 2-3 दिनों से हमने पब्लिसिटी किया है सोशल मीडिया के जरिए से, पूरे वर्ल्ड में और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है बज क्रिएट हो गई है कि ये दोस्तमदान जगह है कहाँ पे, किस तरीके की वहाँ चीज़ें हैं। ये इससे पहले भी जो हमने फेस्टिवल किए, चाहे हमने लोलाब में किया, वुलर में किया, अहरवल में किया या आने वाले दिनों में हम जो है 4 तारीख को वेरीनाग में कर रहे हैं, तो मुद्दा मकसद यही है कि ये वो जगह हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और जो टूरिस्ट अब पैंडेमिक के बाद देखना चाहते हैं वो नई जगहों को देखना चाहते हैं। गुलमर्ग, पहलगाम तो है ही है उनकी नज़र में, वहाँ एक्सपीरियंस तो कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारा टूरिस्ट पोटेंशियल है वो वहाँ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है तोसमदान या दुधपत्री या यूसमर्ग जो कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत ही अच्छा स्कोप है और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आज के फेस्टिवल के बाद यहाँ का टूरिस्ट फुटफॉल जो है काफ़ी बढ़ेगा और आने वाले दिनों के लिए भी, चाहे वो विंटर्स हों, चाहे समर्स हों, चाहे एडवाइस की जाती है एडवेंचर ना करें उसमें। मैंने अभी से पिछले कब किया उसका दोबारा उसे भी और इस दफ़ा देख लेंगे जी, उसमें स्पेशल लाइव अगर पड़ा हुआ तो उसे चूज़ कराएंगे। लोगों को थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए, आपका ये एरिया जो है शेलिंग रेंज बहुत अरसे से रहता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि आपकी कि पूरे 100% हम कह सकें कि सैनिटाइज हो गया, लेकिन फिर भी वो सेफ है, मेरे थोड़ा सा लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। सब जो वेंचर करते हैं आगे की लकड़ी लेने के लिए किसी नाले में घुस जाते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा टूरिस्ट जाके वहाँ पर, तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए ये नालों में जाने से, वहाँ पर लकड़ी निकालने के चलते इलीगल एक्टिविटी, तो उसमें ये परेशानी भी बात में आती है, कोई बंदा इंजर्ड होता है तो दूसरे लिए भी नहीं मिलती क्या भाई ये क्यों देते मैं लकड़ी निकालने, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी मुझे पता है उस इशू का, हमने डेवलप किया होगा कोशिश करें सर। विंटर में किस तरह